चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। तो क्या हुआ अच्छा गुप्ता? माँ जी मैं सोच रही हूँ कि दिबील और मैं सब जॉब नहीं करते और सोना और चांदी के स्कूल में यार बातें भर रही है। तो पीतल और तांबे को तो स्कूल क्यों भेजती है? माँ जी लगता है आप ही इतना देर से जॉब नहीं कराना चाहती। किन दोनों से हैं? सोने और चांदी के पापा से यार। अभी तो कह रही थी हमारा तो जवाब से नौकरी करवानी है। माँ जी रिपील और बैल साहब से। तो हमारा जवाब है कौन है? ओ माँ जी रिपील तुम मेरी एक बात सुनो कि तुम चांदी के लिए भी नौकरी नहीं कर सकते? जानो मैं चांदी के लिए तो नौकरी नहीं करता। रिपील यार चांदी बड़ी हो रही है बस खूबसूरत। हाँ तुमने मेरी आंखें खोल दी। रिपील भी जानती थी एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगी। बस जानू आज से मैंने सोचा है कि मैं हाँ नौकरी करोगे मुझे पता है। नहीं जानू तुम्हारे पापा से बात करके पैसे भरवाऊंगा। निबील शेरा वाले चाहिए तुम्हें जानू उनकी भी कोई लगती है। बकार बकार क्या हुआ मोमू क्यों गलत पढ़ रही हो? सलीम सलीम हाजरा कह रही है कि आपको जॉब करने में। कौन हाजरा? वो खलील की बीवी। वो खूबसूरत है मोमो। हाय खूबसूरत तो मैं हूँ बाबर। महमूद। हाय तू क्या महमूद खूबसूरत है? उफ, अच्छा ये बताओ किसकी नौकरी की बात कर रही थी तुम? हाय आपकी। क्या खूबसूरत की ये बता वो मुझे नौकरी का बोले? उसका शौर तो कुछ करता नहीं और वो मेरी नौकरी के पीछे पड़ गई है। कोई शाबाशे चलो उनसे जल्दी बात करते हैं। खूबसूरत खूबसूरत ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी तक उसने कुछ बोला नहीं। क्या हुआ बेल साहब? मोमो ने मुझे बताया कि तुम उससे नौकरी कराना चाहती हो। हाँ बेल साहब उसमें क्या हर्ज है सब लोगों को नौकरी करना चाहिए। खामोश गुलनाथ अगर तुझे नौकरी करवानी है तो अपने उससे करवा। किससे बाजी? वो जो हर औरत का होता है अच्छा सा ख्वाब। ओ नहीं वो जो एक आदमी शादी के बाद बन जाता है बेवकूफ। चुप है जो सैफ करीना का है। आइडिया नहीं बाजी हर अच्छे शोहर को नौकरी करना चाहिए। हाँ हाँ शोहर शोहर मैंने नहीं करानी अपने शोहर से नौकरी वोकरी समझी? आप खूबसूरत से बोल रहे मैंने नौकरी वोकरी नहीं करनी। अच्छा बाबा बात कर